हेलो स्टूडेंट्स, मुँह खुशबू मैम स्वागत करम चैनल समस्त एजुकेशन को। तो पे देख आज वीडियो रे बहुत बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैंने भावुचे एनबीएस रे आमर सिलेक्शन हो पूरा 98% चांस अच्छे 99% चान्स अच्छे आम सिलेक्शन हो। तो पे देख तुम सिलेक्शन कथा चिंता करडमिशन कथा चिंता कर मे भी तुम सिलेक्शन हो जाए कि तुम एडमिशन जो तुम ये वीडियो को ना पूरा फुल्ली न देखे तुम एडमिशन मुझे 100% रही। ठीक अच्छे कौन कौन सब डॉक्यूमेंट पे तुम दरकार ये वीडियो रे पूरा क्लियर डिटेल्स रे कहबी बेसी ना मात्र तीन चारिटा डॉक्यूमेंट तुम जोड़ा कि बहुत रिक्वायर्ड एडमिशन टाइम जो तर गोटे डॉक्यूमेंट भी तुम मिस होना पे तुम एडमिशन रही। तो से कहे एडमिशन आहुरी टाइम अच्छी एबू तुम डॉक्यूमेंट कही दूसरी तुमने रेडी कर रखनी बुझीस पे। तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट अच्छे जो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करनब आ जो मैंने मो टेलीग्राम चैनल जॉइन ही ना जॉइन ही जाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फास्ट पे देख जो पिला नवोदय विद्यालय एडमिशन करके नवोदय को जी फास्ट तुम मैंने इलिजिबिलिटी कंडीशन सब जाने नियो जहाँफल तुम से थ्रु जापर कि आमको ए जे एन भी स्कूल जावा दरकार ना ना बुझीसा क्लास सिक्स की पूरा फर्स्ट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर नवोदय क्लास सिक्स एडमिशन आट जे एन भी स्कूल लोकेटेड इन देयर ओन डिस्ट्रिक्ट बुझीसा तुम क्लास सिक्स एडमिशन कर जदि जो पिला भावु कि जे एन भी आम मानने अलग जगह को जवाक पड़ो कि यही जगह को जवाक पड़ो ना सेमती किसी भी ना तुम्हें जदि चाह निजो ओन डिस्ट्रिक्ट जो जे एन भी स्कूल लोकेटेड थी से एडमिशन नहीं पार। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट इलिजिबिलिटी कंडीशन तुम्हारे कंप्लीट। सेकंड देखो द स्टूडेंट मस्ट नॉट हैव बीन बर्न बिफोर May 1, 2011 आफ्टर April 30, 2013 बोथ डेट आर इनक्लूसिव बुझीसला ये दुटा डेट को मिसे कि May 1, 2011 पूर्व कि April 30, 2013 पर जो मैंने जन्म हो तुम एडमिशन कर बुझीसा तुम इलिजिबल नुहे जे एन भी। नेक्स्ट देखो ही और सी मस्ट बी स्टडेड इन क्लास फाइव ड्यूरींग एकाडेमिक इयर 2023 एंड रेकग्नइज स्कूल अप्लाई फॉर नवोदय विद्यालय एडमिशन 2023 क्लास सिक्स। ठीक अच्छे जो मैंने निज निज डिस्ट्रिक्ट जो स्कूल पढ़ चो से स्कूल क्लास फाइव रीजन जमी तुम कम्प्लीट कर न कम्प्लीट कर तुमने एडमिशन नहीं पार नहीं नवोदय विद्यालय बुझीसा बुझीसा। तो पिले एटा थिला तमरो तीनटा एलिजिबिलिटी कंडीशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो फोर एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन द कैंडिडेट हु हाज बीन नॉट प्रमोटेड एंड एडमिटेड टू क्लास फाइव बिफोर 31 July 2023 नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक अच्छे जो मैंने क्लास फाइव को प्रमोट होना ठीक अच्छे क्लास फाइव को जाना डेट हूँ तुम 31 July भितरे जो मैंने क्लास फाइव को प्रमोट होना जाना से मैंने अप्लाई करें जो तुम एडमिशन फॉर्म बाहर क्लियर समस्ते। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखा फाइव नंबर तुम कौन अच्छी बिले द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर नवोदय एडमिशन 2023 क्लास सिक्स इन रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ट क्लास 3, 4 and 5 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरियाज। क्लियर जो मैंने रूरल कोटारे अच्छा रूरल कोटारे जो पिला मैंने पढ़ुच तुम मैंने कह गले आटलिस्ट पढ़ी थो प्लस तांगे पास हो क्लास 3, 4 and 5 यही तीन टा क्लास जमी तुम पढ़ी थो पूरा फुल एकेडमिक ईयर आउ पास हो। ठीक अच्छे जो स्कूल तुम रिकग्नइज कर जो स्कूल तुम रूरल एरिया अच्छे जो तुम पढ़ुच। क्लियर नेक्स्ट देख लास्ट तुम एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन कैंडिडेट पासिंग बी सर्टिफिकेट कंपिटेंसी कोर्स ऑफ NIOS और ऑन बिफोर September 15, 2022 आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टेस्ट प्रोवाइडेड इन देयर प्रिस्क्रिबल एज ग्रुप। ठीक अच्छे पे यहाँ एत मैंने डिटरमाइन कैनि कि यहाँ एत दरकार ना तुम बुझीसा। तो तापर पे देख यहाँ तुम जेहतु लास्ट पॉइंट दरकार ना से मुझे बुझेले। ठीक अच्छे तो ये जो पांचटा पॉइंट तुमको मुझे कहली तुम इलिजिबिलिटी विषय ठीक अच्छे इलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ थी तुम टोटल इलिजिबिलिटी कंडीशन बुझीसा। तो यहाँ थी टोटल इलिजिबिलिटी कंडीशन गला। ठीक अच्छे एवं कथा डॉक्यूमेंट जो पिला डाउट अच्छी कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार मैम एवं कहत मात्र दि तीन टा डॉक्यूमेंट पे तीन टू चार्टा डॉक्यूमेंट तुम से डॉक्यूमेंट को भलसे तुमने एबू प्रिपेयर करनी। ठीक अच्छे तो चलो डिस्कशन करवा। तो देख यहाँ हूँ तुम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फिल नवोदय क्लास सिक्स एडमिशन फॉर्म बुझीसा एडमिशन फॉर्म टाइम ये डॉक्यूमेंट दरकार बुझीसा। तो देख आउ को साइज को फॉर्मेट्रे दरकार बुझीसा। तो फास्ट डॉक्यूमेंट तुम दरकार स्टूडेंट्स फोटोग्राफ
ବୁଝି ଆସିଲା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବା ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି, ତାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ବୋଧେ ଦରକାର, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ହିଁ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମିନିମମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ 10ଟା କି 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସାଇଜ୍ କେତେ ଥିବ ନା 10 to 100 KB ଭିତରେ ତା ସାଇଜ୍ ଥିବ, ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ କରିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରିଥିବ ତାକୁ ନା JPG, ବୁଝି ଆସିଲା। ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଯିବ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଫର୍ମାଟ୍ JPG ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ JPG କରିଦେବେ ଆଉ ଫାଇଲ୍ର ସାଇଜ୍ ଯେମିତି 10 to 100 KB ଭିତରେ ରହୁଥିବ। ବୁଝି ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି ତୁମର ସିଗ୍ନେଚର ବା ତୁମ ନାଁ, ମୋ ନାଁ ସପୋଜ୍ ଖୁସବୁ ସାହୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସବୁ ସାହୁ ଲେଖିଦେବି, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର କଲି, ତୁମ ଫୁଲ୍ ନାଁଟା ଲେଖିବ। ବୁଝି ଆସିଲା, ସିଏ ବି ସେମିତି ଫର୍ମାଟ୍ JPG, ବୁଝି ଆସିଲା। ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 10 to 100 KB। ବୁଝି ଆସିଲା। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ସିଗ୍ନେଚର ପୁଣି ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଥ୍ ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ମଦର୍ ତୁମର କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲେ ଫର୍ମାଟ୍ ସେମିତି JPG, ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ସେମିତି 10 to 100 KB ଯାକେ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍। କ୍ଲିୟର୍। ଲାଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତୁମର JNVST 2023 ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ବୁଝି ଆସିଲା, JNV ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବ, ଯାହା ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି JPG, ଆଉ ପିଲେ ଦେଖ ତା ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ 50 to 300 KB ଭିତରେ ରହିବ। କ୍ଲିୟର୍ ସମସ୍ତେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ଆହୁରି ଡେଟ୍ ଅଛି, ତୁମମାନେ ଏବେଠୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିନିଅ। ବୁଝି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। କ୍ଲିୟର୍ ସମସ୍ତେ? ଓକେ, ସୋ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଟୁମରୋ ୱିଥ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଭିୟର୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ବାଏ।